हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। प्रमोद चक्रवर्ती ने 1958 में आई मूवी 12 एन क्लॉक से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में गुरुदत्त, वहीदा रहमान और शशिकला शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1961 में प्रमोद चक्रवर्ती की मूवी आई पासपोर्ट। इस मूवी के लीड कास्ट में प्रदीप कुमार, मधुबाला, के एन सिंह और नासिर हुसैन शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल प्रमोद चक्रवर्ती की मूवी आई संजोग। इस मूवी के लीड कास्ट में प्रदीप कुमार, अनीता गुहा, सुभा खोटे और ओम प्रकाश शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1962 में प्रमोद चक्रवर्ती की मूवी आई गंगू। इस मूवी के लीड कास्ट में शेख मुख्तार, नाज, मदनपुरी और सुलोचना शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1964 में प्रमोद चक्रवर्ती की मूवी आई जिद्दी। इस मूवी के लीड कास्ट में जॉय मुखर्जी, आशा पारेख, महमूद अली और शोभा कोटे शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1966 में प्रमोद चक्रवर्ती की मूवी आई लव इन टोक्यो। इस मूवी के लीड कास्ट में जॉय मुखर्जी, आशा पारेख, महमूद, प्राण और शोभा कोटे शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1969 में प्रमोद चक्रवर्ती की मूवी आई तुमसे अच्छा कौन। इस मूवी के लीड कास्ट में शम्मी कपूर, बबीता, ललिता पवार और प्राण शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1971 में प्रमोद चक्रवर्ती की मूवी आई नया जमाना। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, अशोक कुमार, हेमा मालिनी, अरुण ईरानी और प्राण शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सेमी हिट रही। 1973 में प्रमोद चक्रवर्ती की मूवी आई जुगनू। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, प्राण, नाजिर हुसैन, प्रेम चोपड़ा, महमूद और ललिता पवार शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सुपरहिट रही। 1975 में प्रमोद चक्रवर्ती की मूवी आई वारंट। इस मूवी के लीड कास्ट में देव आनंद, जीनत अमान, प्राण, अजीत खान और धारा सिंह शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सुपरहिट रही। 1976 में प्रमोद चक्रवर्ती की मूवी आई बारूद। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋषि कपूर, रीमा रॉय, सोमा आनंद और अशोक कुमार शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1977 में प्रमोद चक्रवर्ती की मूवी आई ड्रीम गर्ल। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अशोक कुमार और प्रेम चोपड़ा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सुपरहिट रही। 1978 में प्रमोद चक्रवर्ती की मूवी आई आजाद। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा और रणधीर कपूर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सेमी हिट रही। 1981 में प्रमोद चक्रवर्ती की मूवी आई ज्योति। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, हेमा मालिनी, अशोक कुमार, शशिकला शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सेमी हिट रही। 1983 में प्रमोद चक्रवर्ती की मूवी आई नास्तिक। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान और प्राण शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी अबव एवरेज रही। 1984 में प्रमोद चक्रवर्ती की मूवी आई जागीर। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, जीनत अमान, प्राण, डैनी और अमरीश पुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सुपरहिट रही। 1986 में प्रमोद चक्रवर्ती की मूवी आई शत्रु। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, शबाना सिद्दीकी, प्रेम चोपड़ा, अशोक कुमार, राज किरण और अरुण गोयल शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1992 में प्रमोद चक्रवर्ती की मूवी आई दीदार। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, अनुपम खेर, लक्ष्मीकांत और तनुजा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1998 में प्रमोद चक्रवर्ती की मूवी आई बारूद। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, रवीना टंडन, अमरीश पुरी, राखी गुलजार और ऋषि कपूर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। और यही अब तक की प्रमोद चक्रवर्ती सर की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आज हमने आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताया है। दोस्तों, आपको प्रमोद चक्रवर्ती सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा
और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू।